Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 7th class, as you know, yesterday we have started the second chapter of science and we almost done all questions of page 15. So today we will inshallah complete the page 16 and 17. So let's start with the page 16 and the question number 1 is what is an organ, and question number 2 is name 3 plant organs and say what each one does. क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ एन ऑर्गन. ऑर्गन क्या है. यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं और सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. देन सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं दैट परफॉर्म सेम फंक्शंस. वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है. सेम टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़. और जब डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं आपस में तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और यही ऑर्गन जो होते हैं वो जब मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक मिल के जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. फॉर एग्जांपल प्लांट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी लिविंग जो पर्सन होता है, लिविंग जो बॉडी होती है उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. नेम सेकंड क्वेश्चन इस पेज का, नेम 3 प्लांट ऑर्गन्स एंड से व्हाट ईच वन डज. आपने 3 ऑर्गन्स बताने हैं प्लांट कर बताने हैं वो क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल रूट्स एक ऑर्गन है. रूट का जॉब क्या है. इट्स अ होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड एंड आल्सो टेक वाटर फ्रॉम सॉइल. इसका काम है कि प्लांट को ग्राउंड में होल्ड करके रखता है और वाटर को अब्सॉर्ब करता है सॉइल से. स्टेम कीप्स अ प्लांट अपराइट होल्ड द लीव्स. स्टेम क्या करता है, प्लांट को जो अपराइट करता है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर वे में स्टैंड करता है और होल्ड करता है लीव्स को. यही लीव्स होते हैं देन अपराइट इसलिए रखता है ताकि वो सन से डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस हो और प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर कर सकें. थर्ड ऑर्गन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. ये फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के, क्योंकि यही प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है. तो ये 2 क्वेश्चन थे. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेज 17 पे. पेज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ आ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है. ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो प्लांट होता है इनमें थिन ट्यूब्स होती हैं, पतली बारीक ट्यूब्स होती हैं प्लांट के अंदर, जो कैरी करती हैं लिक्विड्स को अप एंड डाउन द प्लांट. प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो लिक्विड्स की फार्म में जो लेके आती हैं जो ट्यूब्स, वो जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. यानी कि ऊपर से नीचे जैसे वाटर को वो बिलो द प्लांट जो है वो उसकी रूट से लेके जाती हैं लीव्स तक, ठीक है, फ्लावर्स तक. जबकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट के लीव्स में होती है, और वहाँ से फूड जो होती है वो सोर्स टू सिंक यानी कि लीव से रूट्स की तरफ मूव करती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज का, व्हाट इज़ एन वैस्कुलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज ऑफ प्लांट कंबाइन टू फॉर्म ए वैस्कुलर बंडल विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड. प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. ये दोनों टिश्यूज़ को अगर हम कंबाइन करें तो इसको हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स. और जो जाइलम टिश्यूज़ होता है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करते हैं. होप सो कि आपको समझ आई होगी. गुड लक.